इस वीडियो में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और उनके जोखिम कारकों की तुलना करेंगे। आइए ऑस्टियोआर्थराइटिस से शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में 100 से अधिक प्रकार के गठिया हैं। इन सब में ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे आम है। इसे अपक्षयी संयुक्त रोग के रूप में भी जाना जाता है। यह जोड़ों में टूटने, सूजन और उपास्थि के नुकसान के कारण होता है। पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े जोखिम कारक मोटापा, आनुवंशिकी और जोड़ के लिए पहले का आघात है। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है, विशेषकर 45 वर्ष की आयु के बाद। नवयुवकों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित हो सकते हैं, जो आमतौर पर कुछ संयुक्त चोट, संयुक्त उपास्थि में एक आनुवंशिक दोष या एक संयुक्त विकृति के परिणाम स्वरूप होता है। यह एक अत्यधिक दर्दनाक, गतिशीलता प्रतिबंधित करने वाली स्थिति है। अब बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी के द्रव्यमान के नुकसान को संदर्भित करता है, जिससे फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। यह एक दर्द रहित स्थिति है, जो किसी को टूटी हुई हड्डी या फ्रैक्चर जैसे परिणामों का अनुभव होने पर दर्दनाक हो जाती है। चूंकि ऑस्टियोपोरोसिस रोग सूचक है और वृद्ध लोगों में प्रगतिशील और प्रचलित है, इसलिए इसे सक्रिय रूप से पहचानने की आवश्यकता है। जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता फैलाने और हड्डियों के नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाकर ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम किया जा सकता है। अस्थि खनिज घनत्व कम होना फ्रैक्चर का कारण बनने वाला एक बड़ा जोखिम कारक है। यह ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण है। ऑस्टियोपोरोसिस 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में या रजोनिवृत्ति के बाद अधिक आम है। आप जो खाना खाते हैं, वह आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में जानना आपके हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आप कैल्शियम, विटामिन डी और स्वस्थ हड्डियों के लिए अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में जानने के लिए और ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों के मुद्दों को रोकने के लिए अगला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगता है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और भविष्य में वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।